एक पोल एक कम्युनिटी पर क्वेश्चन डलवाया था। लगभग 6,000 बच्चों ने उस प्रश्न को अटेम्प्ट किया और उसमें से 64% बच्चों ने गलत आंसर दिया। एक छोटा सा क्वेश्चन था, मैं अभी आपको दिखाऊंगा पूरा डिटेल और ये भी बताऊंगा उस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो मेरे सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है, या तो मेरा सर फोड़ दो और या तो सही से पढ़ लो, डेली क्लास में आ ही जाया करो महाराज। ऐसे ही अगर पढ़ाई करोगे ना तो फिर कुछ बच्चे बाद में कहोगे कि सर एनटीपीसी में नहीं हुआ, सर ग्रुप डी में नहीं हुआ और फिर एएलपी में भी सर नहीं हो पाया इतने नंबर से चूक कर। अब मैं आपको डेटा दिखाता हूं जरा। एक ये क्वेश्चन पाठशाला रेलवे एग्जाम की कम्युनिटी पर 23 घंटे पहले मैंने डलाया था, जिसमें प्रश्न ये लिखा है कि 0.025 का वर्गमूल कितना होगा, सिर्फ ये प्रश्न था। आपको बताएं तो ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, डीआरडीओ का जो अभी हाल में एग्जाम हुआ था ये प्रश्न उसमें भी पूछा गया था। तो हमने सोचा कि ये प्रश्न बच्चों के लिए मदद करेगा। और भाई आप देखो कि इसमें चार ऑप्शन थे और इसका आंसर जो है 0.05, ये 64% बच्चों ने टिक किया कि 64% बच्चे कह रहे थे कि इसका आंसर 0.05 होगा। 24% बच्चों ने कहा कि इसका आंसर इन तीनों में से कोई नहीं होगा। 0.05 भी 8% बच्चों ने उत्तर दिया है और 4% बच्चों ने इसका आंसर 0.005% भी दिया है। तो मैं इनसे और इनसे तो दुखी नहीं हूं, मैं दुखी हूं इन बच्चों से कि अगर मैं 6,000 बच्चों जिन्होंने टोटल वोट किया था इसका अगर 64% की बात करूं तो 0, 6 चौको 24 के 4, 2 चतरंग 36 और 2 38, 3840 बच्चों ने 6,000 में गलत उत्तर दिया। 3840 बच्चों ने गलत। भाई प्रश्न सिंपल सा ये था, सीधा सा प्रश्न ये था, आपको यही बता देता हूं। ये जो क्वेश्चन लिखा था 0.025, इसका वर्गमूल आपसे पूछा था कि इसका वर्गमूल क्या होगा, बस। तो इसके वर्गमूल में आंसर आप 0.05 कैसे दे सकते हो भाई? आप ये बताओ कि 0.05 का अगर हम 0.05 में मल्टीप्लाई करते हैं, इसका गुणा करते हैं, तो आप खुद ही सोचो क्या ये उत्तर आएगा? कभी कभी आ सकता है भाई। 0.05 गुणे 0.05 जब करोगे तो जो दशमलव लगेगा वो 4 अंक पे लगेगा, दो इसके दो इसके, यहां पर कितने अंक पर लगा हुआ है? 3 अंक पे। तो आपने ये 0.05 जो आंसर दिया इसने मेरा दिल दुखाया। और भाई ऐसी पढ़ाई कर रहे हो तो मत करो, इतने सरल प्रश्न को अगर आप करने में चूक रहे हो, देखो क्या करना था, सिर्फ दशमलव हटा के नीचे आपको सिर्फ 0 बढ़ा लेने थे और नीचे 0 बढ़ाओगे तो 3 0 बढ़ जाएंगे और नीचे 1,000 हो जाएगा। 25 एकम 25 हो जाएगा, 25 चौको 100, 1/40, 1 का ये आ जाएगा आपके पास रूट के अंदर 1/40। 1 का वर्गमूल निकालोगे ऊपर 1 ही आएगा। और सुनो जरा, अगर हम 40 के वर्गमूल की बात करते हैं तो देखो जरा, 6 का वर्ग करने पर 36 होता है और 7 का वर्ग करने पर 49 होता है, यानी कि 40 का वर्गमूल जो होगा वो 6 से 7 के बीच में होगा। किसके किससे बीच में होगा? 6 से 7 के बीच में। 6 से छोटा नहीं हो सकता है, 7 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो 40 का वर्गमूल जो है, हम 6 दशमलव अगर कुछ लिखे, मान लो मैं 6 ही लिख लेता हूं, तो 1/6 का मतलब ये हो जाएगा 0.16666 कुछ, यानी ये 0.16 लगभग इसका वर्गमूल बन जाएगा। और अगर थोड़ी बड़ी वैल्यू लिखोगे तो ये 0.158 कुछ करके वर्गमूल इसका आएगा। लेकिन अगर आप इसका वर्गमूल 0.16 भी निकालते हो तो भी सही है, क्योंकि 0.158 किसकी तरफ बढ़ते हुए जा रहा है? 1.16 की तरफ ही बढ़ रहा है। तो इस छोटे से प्रश्न का उत्तर जो सिर्फ इतने सरल स्टेप में इतने आसान ढंग से आ सकता था, उसके लिए 64% बच्चों ने गलत उत्तर दिए। महाराज हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसा पढ़ाई मत करो, नहीं तो आपको तो कष्ट होगा ही होगा, साथ में आपके माँ बाप को भी बहुत कष्ट होगा। सही ढंग से पढ़ाई करिए, बस इतना ही कहना था। इसलिए ये प्रश्न को ले, इस वीडियो को बनाया है मैंने। अब मैं आपके लिए कुछ कम्युनिटी पे ऐसा करता रहूंगा जिसमें मैं आपको प्रश्न दूंगा, और आप सबसे निवेदन है कि आप प्रश्नों के सही उत्तर देना, प्रयास तो करना। ठीक, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।